ये मकान फारसिल है जी, मैंने बेचना है, आपने लेना है? जी हाँ। तो ऐसा करो अंदर आ जाओ, बैठ के बात करो। चलो ठीक, बैठो। अच्छा वैसे मकान तो माशाल्लाह आपने खूबसूरत बनाया है, आपको पसंद है? हाँ मैंने पहले आके देख के आया था, तो उन्होंने कहा था मालिक ने अभी यहाँ नहीं है, तो मकान वाकई आपका है ना? बिल्कुल मेरा, आपको यकीन नहीं हो रहा। अच्छा तो ये है 27 लाख का। अच्छा और अगर आपने लेना है तो मैं आपको 25 लाख में दे दूंगी। देखिए मैडम 25 लाख ज्यादा नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक है, देखो 27 लाख का 25 लाख में दे रही हूँ, और आपने लेना तो बयाना करवा दें मुझे। अच्छा तो इसमें कोई टेंशन और इंतकाल वगैरह कब होगा? वो भी हो जाएगा, आप पहले बयाना तो करें। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ना आपको 5 लाख का चेक दे के जा रहा हूँ, तो आप ना फिर कब आओ और मुकम्मल पैसे दे के ये रजिस्टर करवाने। आप ऐसा करो 5 लाख मुझे दे रहे हैं ना जी, तो परसों आप आ जाना ठीक है, बाकी पैसे भी दे देना और रजिस्ट्री वगैरह आपको करवा के आपके हैंड ओवर करके मैं चली जाऊँ। चलिए ठीक है, मैं भी आपको चेक देता हूँ। अच्छा तो मैडम ये ले 5 लाख का चेक है, इसमें मैंने सेंड कर दिए, क्योंकि अमाउंट वहाँ 5 लाख की थी, बाकी मैं परसों आके ना आपको अमाउंट रखकर दे जाऊँगा और ये मकान आप मेरे हैंड ओवर कर देना। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ऐसे करो बैठो, चाय पानी पी के। नहीं नहीं चाय पानी फिर ये सारी चाय पानी है जब मैं फिर आऊँगा। ठीक है तो मैं चलता। क्या चाहिए? वो मैडम कहाँ गई है? यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ, तुम किस मैडम का बात कर रहे हो? देखो भाई इस मकान के ना मैंने उसको बयाना दिया था और बाकी पैसे लेके आया हूँ, और ये मकान मैंने उससे खरीदा है। ओ भाई ये मकान मेरा है, तुम किस मैडम की बात कर रहे हो? ओ भाई ये मकान मेरा ही भैया, आज तो भाई इतना नजर आए मैं तेरी बोटी बोटी करते कुत्ते में खिला दो। होए होए मैं तो लुट गया, अल्लाह